Assalamualaikum friends, कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel. और ये बैग देख के आप लोग को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग है. विंटर क्लोथिंग हॉल फॉर किड्स, फॉर टॉडलर एंड इन्फेंट, मेरे बेटी के लिए और जो मेरा न्यूबॉर्न है. न्यूबॉर्न तो नहीं है, अब वो 4 months का हो गया है. तो उसके कपड़े, उन लोग के कपड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और ये मैंने बेटी के कपड़े लिए हैं बाय बाय बेबी से, और जो बेटे के कपड़े हैं वो मैंने कार्टर से लिए हैं, और कुछ मैंने बेटी के कार्टर से भी लिए हैं. तो सबसे पहले, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब जब मेरी वीडियो अपलोड हुआ करेगी. तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेटे के कपड़ों के साथ. और एक ये बहुत क्यूट सा है, वाइट एंड ग्रे का, इसमें बियर बना हुआ है. और ज़्यादातर आप इसके कपड़े देखेंगे ब्लू कलर के, क्योंकि आई लव ब्लू कलर. और लड़कों के लिए आई थिंक ब्लू ही अच्छा लगता है. और ये भी बहुत क्यूट सा है, थ्री पीस, वो भी थ्री पीस है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया है. और ये मुझे बहुत अच्छा क्लियरेंस में मिल गया था सेल में. और ये काम आ जाते हैं, यू नो, घर पे पहनाने के लिए और नीचे पहनाने के लिए स्वेटर के सर्दियों में, तो अच्छे रहते हैं ये. और ये है ग्रे एंड वाइट कलर का, ये भी बहुत क्यूट है. और मैंने इसके लिए थोड़े से बड़े ही कपड़े लिए हैं, क्योंकि बढ़ने वाले बच्चे और यहाँ के कपड़े एक बार धुलने में बहुत जल्दी श्रिंक हो जाते हैं. और ये भी मुझे सेल से बहुत अच्छा मिल गया था क्लियरेंस से, तो मैंने फ़ौरन ले लिया. घर पे पहनाने के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है. और कूल ड्यूड लिखा हुआ इसमें ऑरेंज कलर से, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. और अगेन ये ब्लू कलर है. और लड़कों के लिए कुछ समझ नहीं आता कि क्या लें, लाइक ले दे के निगाह जो है वो ब्लू पे टिकती है. तो एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा रॉम्पर. और मैं प्रेफर करती हूँ कि ये जो सॉक्स साथ में अटैच होते हैं ये ना हो, क्योंकि जब हम इसको वॉश करते हैं तो ये बहुत जल्दी श्रिंक हो जाते हैं और फिर ये छोटे हो जाते हैं. तो ये फुल वनजी लेना विद सॉक्स के साथ, वेस्ट ऑफ मनी. तो मुझे तो अच्छा, मुझे कलर अच्छा लगा. और सेल पे नहीं था, 50% ऑफ से, तो मैंने ले लिया. एक दो बार पहन ही लगा, तो मैंने वन साइज एक साइज बढ़ा ही लिया, तो वॉश करने के बाद भी उसको पूरा ही होगा. और ये भी बहुत क्यूट सा है, ये पूरा पेयर है उसके साथ, लोअर एंड थी हुडी, अगेन ब्लू कलर. और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, वनजीज 4 का पेयर है. और इसमें देखें क्यूट कलरफुल से वनजीज हैं, घर पे पहनाने के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं बच्चों के लिए. यू नो, बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कभी उल्टी कर दी, कभी गीला हो गया, ड्रूलिंग करता है वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये सही रहते हैं उसके लिए. और रात में पहनाने के लिए, सोने के लिए सही रहता है. पजामा पहना दो और साथ में ये वनजी पहना दो. तो ये भी कलरफुल से हैं, 4 का पेयर है. और कार्टर्स में 50% ऑफ है और एवरीथिंग. और ऑन द टॉप, अगर आप $40 स्पेंड करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है. और अगर आप 20 एंड ओवर स्पेंड करते हैं तो आपको 15% का कूपन मिलता है. आप कूपन जो है वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं. और ये भी बहुत क्यूट सा है, वाइट, आई लव वाइट एंड ब्लू कलर. तो ये वाइट पे बेयर बना हुआ है और इसमें आर्मी वेटरन बना हुआ है ब्लू कलर का हुड के साथ, आई जस्ट लव इट. और ये पूरी सर्दी निकाल लेगा आई थिंक इन कपड़ों से. और मुझे थोड़े बहुत और गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं उस पर वेकेशन पे, हॉलीडेज पे नेक्स्ट मंथ. और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी और इसलिए मुझे थोड़े से और गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सर्दी इतनी होती नहीं है. खैर, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बेटी के कपड़ों के साथ. कुछ बाय बाय बेबी से लिए हुए हैं मैंने इसके लिए. और ये मुझे बहुत अच्छा सा इसका वो लगा था, जैकेट सर्दियों के लिए, बहुत वार्म है अंदर से, देखें वाइट कलर का, बहुत वार्म है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्यूट सा. और ब्लैक कलर भी मेरा फेवरेट है. ये एक मैंने लिया इसके लिए, जूती कटोर का
इसमें गोल्डन गोल्ड कलर से वो बना हुआ है, गोल्ड कलर से जैसे कटोर लिखा हुआ है, इसमें साथ में स्टोन्स लगे हुए हैं और साइड में ये जो आजकल बड़ों के लिए डिज़ाइन चल रहे हैं तो बच्चों के लिए भी लोगों ने इस तरह से बनाए हुए हैं और मुझे बहुत क्यूट लगा ये पैटर्न और ये पजामा के साथ है और वेलवेट है इसका जो मटेरियल है, स्वेट पैंट्स और ये बहुत क्यूट से मुझे ये शूज़ लगे जो कि ये हर चीज हर ड्रेस पे पहन सकती है तो मैंने एक ये लिए उसके लिए। और लड़कियों के लिए मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ ले लूं लेकिन यू नो सबका एक बजट होता है, हर बच्चे का बजट होता है कि इतने स्पेंड इस पे करने। और साथ में ये है एक नारिका का टॉप, ये भी स्वेटर खाना लाइक है, सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा और इसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है बहुत क्यूट सा और साथ में इसका एक पजामा है ये भी बहुत सॉफ्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा था नारी का जो ग्लिटर से लिखा हुआ है ब्लिंग ब्लिंग। लड़कियों के लिए तो ब्लिंग ब्लिंग चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। साथ में हाँ ये कुछ मैंने स्वेटर्स टाइप के टॉप्स ले लिए थे क्योंकि घर पे यही सब चलता है, क्योंकि वो कभी क्रॉल करती है कभी वॉक करती है तो ये मोटे कपड़े मोटा पजामा थोड़ा मोटा मटेरियल बच्चों के लिए अच्छा रहता है। और इसमें कुछ मैंने कार्टर्स से लिए हुए हैं कुछ किसी और जगह के हैं और मुझे ये ओवरऑल इतना अच्छा लगा था और मैंने बस मुझे नहीं पता था कि इसको आएगा नहीं आएगा, जस्ट मैंने इसको ले लिया और इसको फिर मैंने ट्राई किया तो उसको थोड़ा सा बड़ा था, वो नीचे से तो हम फोल्ड कर सकते हैं लेकिन ये वेस्ट वगैरह बिल्कुल सही थी और आई लव दैट उस पर। और मुझे इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों पे और एक ये मुझे अच्छा लगा था यू नो बहुत क्यूट सा, इसका कलर देखें और वो देखें क्या कहते हैं जो इन्होंने फ्लेयर लगाई हुई है फ्रिल लगाई हुई है ग्लिटर के साथ और ये साथ में एक पैंट्स हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैंने सिर्फ शर्ट की वजह से लिया और ये इस पे एक फ्लावर बना हुआ है क्यूट सा। हाँ ये नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस ग्रे एंड ये लूज ही चलते हैं, ये ऐसा लगता है ऐसा लगे ये नीचे स्कर्ट टाइप बनाया हुआ है और ये टॉप है लेकिन ये फुली अटैच्ड है और इसमें छोटा सा हार्ट पिंक कलर का बनाया हुआ है और इसका कंट्रास्ट और डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। साथ में पॉकेट्स मैं इसको सर्दियों में नीचे लेगिंग्स पहना सकती हूँ सॉक्स के साथ और मे बी लॉन्ग बूट्स के साथ और साथ पीछे इन्होंने बटन्स दिए हुए हैं और आई थिंक सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साथ में मैंने एक ये बहुत ज़्यादा उस पर आए हुए थे सेल पे $4-4 के पजामा और शर्ट, तो मैंने इसके लिए ले लिए घर पे पहनने के लिए, घर पे पहनने के लिए ऐसे कपड़े बड़े नहीं हैं और ये उसके साथ का है टॉप जो मैंने अभी आपको पिंक दिखाया पोनीस में बना हुआ है यूनिकॉर्न पिंक कलर। और लड़कियों के लिए तो पिंक और ब्लू और हर कलर लड़कियों पे अच्छा लगता है और सर्दियां हैं तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने स्वेटर्स बनाए हुए हैं प्रिंटेड। सो दैट्स इट आई गेस गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोग के साथ विंटर क्लोथिंग हॉल शेयर किया और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और मैं भी जल्दी से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करूँगी और फिर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मैं जो हूँ वीक में एक या दो दफ़ा वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।